11 साल तक ये पैर ने चप्पल नहीं देखा और 6 साल तक सड्डी नहीं पहना और सातवीं की एग्जाम नहीं दी। आई हैव सर्टिफिकेट ओनली 6। पूरा गांव का जो पशु जाते उसको धन बोलते हैं, वहाँ जाके पूरा टोपला लेके आवे तो पिताजी 6 पैसा, 6 पैसा पुराना, अभी 10 पैसा नया 10 पैसा देते थे। 6 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया, मेरा फर्स्ट सैलरी था 103 रुपीज का और लास्ट सैलरी था 600 रुपीज का। सूरत नु जमण अने काशी नु मरण, कहते हैं कि अगर सफल जिंदगी चाहिए तो सूरत में खाना खाना चाहिए और काशी में मौत पानी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इंसान नहीं सोचते, डायमंड्स भी ऐसा सोचते हैं। इसीलिए दुनिया के 90% डायमंड्स यहाँ सूरत से होकर सारी दुनिया में जाते हैं। इसी साम्राज्य के सबसे बड़े गॉडफादर से आप मिलने वाले हैं, जो है SRK एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन श्री गोविंद ढोलकिया जी। काका थैंक यू सो मच, आप हमको इस तरह से टाइम दिया, आप इतनी सारी चीजें आपने अचीव की है और फिर भी आपके पास हम जैसों के लिए टाइम है, उसके लिए थैंक यू सो मच। कहाँ से, एक छोटे से गाँव से आपने जिस तरह से शुरू किया था वो कहानी हमको बताइए। ऐसे तो मैं छोटा सा गांव में, हमारा गांव है 700 की आबादी था, धुरिया गांव था, 104 की स्कूल थी और ऐसा छोटा गांव में मेरा जन्म हुआ और 11 साल तक ये पैर ने चप्पल नहीं देखा और 6 साल तक सड्डी नहीं पहना। आपको ताजब लगे मगर गांव में कोई नहीं पहनता, जब स्कूल में जावे तब पहली बार पहनते हैं, तो सातवीं जब 7 साल का हुए तब स्कूल में जाते थे, वो टाइम पर ऐसा था। 104 में गांव में पढ़ाई की, 5-6-7 तालुका लाठी में गया और सातवीं की एग्जाम नहीं दी। आई हैव सर्टिफिकेट ओनली 6 बिकॉज सातवीं का एग्जाम का समय था, मेरा बड़ा भाई सूरत आया था डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए, वो भाभी को लेने के लिए गाँव आया तो उसने बोला चल गोविंदा तेरे को सूरत मेरे साथ आने का है हीरा घसने के लिए। मैंने बोला मेरे को एग्जाम बाकी है, वो कह रहा पढ़ने का ही नहीं तो एग्जाम का क्या काम है। तो ये एग्जाम छोड़ के मैं सूरत आया तो तभी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में ओनली 200 वर्कर थे, आज 1 मिलियन 10 लाख लोग हैं। वो टाइम पर सूरत में पूरा इंडिया का एक्सपोर्ट डायमंड का 7 करोड़ था, 7 करोड़ रुपीज, आज ये 2.5 लाख करोड़ का ये है, तो 7 करोड़ से 2.5 लाख करोड़ ये इतना 60 साल में बढ़ा, ये सब बढ़ता बढ़ता हमने साक्षी हुआ। 6 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया, मेरा फर्स्ट सैलरी था 103 रुपीज का और लास्ट सैलरी था 600 रुपीज का। फिर हम तीनों फ्रेंड साथ में काम करते थे तो तीनों ने मिल के 5,000 रुपया निकाल के 2 वर्कर के साथ हमने फैक्ट्री शुरू किया और भगवान की कृपा से धर्म बढ़े, धन बढ़े, धन बढ़े तो मन बढ़े, मन बढ़े तो मान बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए, आज तक बढ़ता गया। बहुत खूब काका जी। काका जी ये बताइए कि अपने सारी जिंदगी एक ही इंडस्ट्री में काम किया है, तो ऐसा कभी जब आप और जवान थे तब आपने तब आपने कभी सोचा कि शायद मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए या और क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, या आपके आपका ध्यान इसी में था कि मुझे डायमंड बिजनेस में ही रहना है? देखो ये दुनिया में मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई शाश्वत नहीं है, कोई बिजनेस, कोई जीवन, कोई आदमी, कोई प्लेस, ऐसे मैं भी और मेरा काम भी शाश्वत नहीं है। गांव था तो मैं सोचता था मैं खेती करूंगा, नहीं तो मैं टीचर बनूंगा, यहाँ आया तो सोचा कि ये तो डायमंड का अच्छा काम है तो मैं डायमंड की फैक्ट्री डालूंगा, फैक्ट्री डाला, फिर सोचा कि अभी मैं व्यापार करूंगा, व्यापार किया, फिर जब मैं वर्कर था तभी सोचा चलो हम पिक्चर लाइन में चले जावे, तो हमने 1-2 शो भी लाया थिएटर में, क्योंकि वो रूटीन शो तो देते नहीं थे, तो मॉर्निंग शो लाया, 4 मित्र इकट्ठे हो गए, इसमें नुकसान गया, तो ऐसा सब अखतरा तो होता रहता है। मैं जब गांव में था, ये ब्लड में होता है व्यापार, तो मैं 5वीं 6ठी पढ़ रहा था, 6, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ
कमाओ। हमने जो गाय भैंस का जो गोबर होता है वो हम लेने को जावे जंगल में जहाँ शरण होता है, उसमें पूरा गांव का जो पशु जाते उसको धन बोलते हैं, वहाँ जाके पूरा टोपला लेके आवे तो पिताजी 6 पैसा 6 पैसा पुराना, अभी 10 पैसा नया 10 पैसा देते थे। तो ये गोबर उपाने के काम भी किया। फिर मैंने सोचा कि हम कमाएंगे तो मैंने एक लाठी, एक दुकान वाला मेरा मित्र बन गया था क्योंकि कटलरी था उनको, तो मैंने उनको बोला कि जन्माष्टमी का त्यौहार है हमारे गांव में तो आप थोड़ा फुगा पपूड़ा दे दीजिए और मैं बेच के पैसा आपको दे दूंगा। तो उसने बोला कि मैं वापिस माल नहीं लूँगा। मैंने बोला जो भगवान की इच्छा आप दो तो सही। तो उसने उधार मेरे को माल दिया, जिंदगी में पहले बार उधार लिया 2.75 रुपया में, 2.75 रुपये का माल दिया उसने। तो उसमें जो फुगा था और काकड़ी आती है लंबी, वो साइकिल का पंप से हवा भर के, और पपूड़ा, तीनों बेचा तो बेच गया और उसमें से 6 रुपया आया, 2.75 रुपया का 2.75 रुपया 3 रुपया प्रॉफिट आ गया। इतना खुश हो गया, दूसरे दिन लेके गया उसको कटलेरी वाले की शॉप पर, ये आपका 2.75 रुपया ले लो, मेरे को 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ, आपने माल दिया इसलिए हुआ, नगर तो कोई होता नहीं, तो अगर आप चाहे तो आधा आप ले लो। वो बोला नहीं नहीं नहीं, तो तूने मेहनत की से ये मेरा नहीं है। तो ये 3 रुपया जिंदगी में पहली बार कमाया, जो आज करोड़ों कमाते हैं उससे भी ज़्यादा आनंद था, उससे भी ज़्यादा मीठा था वो, मीठा था। आपने एक बात बोली कि व्यापार मेरे खून में है, और ये बात बहुत सारे गुजराती से हम सुनते हैं, ऐसी क्या बात है गुजरात की धरती में, गुजरात के कल्चर में, कि इतने सारे व्यापारी, इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हर डेकेड में गुजरात से निकलते हैं? नहीं, ये तो मेरे को मालूम नहीं, मगर एक बात सच है कि गुजराती ज़्यादा करके व्यापार में जाते हैं। हम तो किसान पुत्र है, मैंने तो सब खेत में काम किया, क्योंकि जब मैं 5, 6, 7 लाठी में पढ़ा तो हमारा घर से 6 किलोमीटर स्कूल दूर था, नंगे पैर जाने का, 6 किलोमीटर जाने का, 6 किलोमीटर आने का। आने के बाद जब वहाँ 12:30 बजे स्कूल बंद हो गए, 1:30 बजे घर पे आ जाए, खाना खा के 2 बजे खेत में चले जाने का, फिर भी 12 किलोमीटर का जर्नी करके फिर खेत में जाने का, खेत में काम करने का। तो ओपन टू स्काई में, कभी कभी 42-43 डिग्री में सनलाइट में काम करना पड़ता था। तो एक काम करते करते प्रॉब्लम था, इसलिए मैं यहाँ सफल हुआ। मेरे को 2 बार बिच्छू काटा खेत में से, और कांटा तो पग में हर दिन रहता ही है क्योंकि नंगा पैर रहता है, कांटा कांकरा तो वहाँ होता है, कभी ऐसा दिन नहीं होगा कि मेरा पैर में कांटा नहीं है। रात को अगर मम्मी निकाल दे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन भी रहता था। तो ये प्रॉब्लम की लाइफ थी, मगर तभी हमको प्रॉब्लम नहीं लगता था, एडजस्ट था। तो सूरत आया तो मैं प्रगति क्यों किया कि 6 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया तो 14 घंटा काम किया, मैं अकेला नहीं, सब लोग यहाँ जो काम करते थे, सुबह 6 बजे फैक्ट्री शुरू हुए, रात को 8 बजे बंद हुए। 8 बजे के बाद भी एकदम फ्रेश हैप्पीनेस रहते थे, क्यों कि 14 घंटा काम वहाँ गांव में करके आए थे, और सनलाइट में, ओपन टू स्काई में, तो ऐसा लगता है यहाँ ऊपर सत तो है, तो इतना अच्छा लगता, फिर थकावट नहीं होती थी। थकावट किसको होती है? कंटाला को, आलस को है। जब उत्साह होता है, उमंग होता, कभी भी थकावट नहीं होती है। तो 14 घंटा काम करते भी बहुत हैप्पीनेस रहते, इसलिए हमारी कंपनी का सेंटेंस है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर गांव में खेत में प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं यहां डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में 14 घंटा काम नहीं करता। अगर 14 घंटा का काम नहीं किया होता तो आज ये उम्र में भी 12 घंटा काम करने में थकावट होती। तो ये उनका परिणाम है कि प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। अगर आपने अपने यंगर ईयर्स में काफ़ी सारी गरीबी देखी है अपने चारों तरफ, और अब अपनी चारों तरफ काफ़ी अमीरी देख रहे हैं, ना सिर्फ खुद की बट आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग खरीद सकते हैं डायमंड, वो भी अमीर लोग होते हैं, तो आपको क्या फ़र्क दिखता है, किस तरह से गरीब देखता है दुनिया को और जिस तरह से अमीर देखता है दुनिया को? देखो, अमीरी और गरीब
ये मन का खेल है। कितना पैसा हो जाए तो हम गरीब है, कितना पैसा हो जाए तो अमीर है, उसकी कोई व्याख्या नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लाइन नहीं है। मैंने वो भी मेरी लाइफ में देखा है कि करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ होने के नाते भी वो मानसिक गरीब ही देखते हैं। और कहीं लोग के पास 10,000-20,000 की मन की आपदा नहीं होती है, वो भी अमीर एकदम मन का बड़ा अमीर होता है। तो ये जो अमीर और गरीब की जो व्याख्या है, ये सबका मन की है। देखो, मैंने 6 आने में लंच लिया हमारे गांव में, ये लाठी में, और 97 में मैं मॉस्को गया तो वहाँ $325 का मैंने डिनर भी लिया। क्यों? कि वहाँ सब नॉनवेज होता है। तो एक अमेरिकन 5-स्टार होटल थी, उसमें हम जाके थोड़ा डिनर ले सकते थे। तो मैं अंदर $325 20,000 रुपया का डिनर लेके अंदर गया, तो अंदर सब ज़्यादा करके नॉनवेज था। तो हमने खाया क्या, तो फ्रूट खाया। तो हमने 20,000 का डिनर भी लिया, 37 पैसा का लंच भी लिया। और हमको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि 20,000 का डिनर से ज़्यादा अच्छा खाना ये 37 पैसा वाला लंच था, क्योंकि वो हमारा था, तो वो दूसरे का था, हमारे काम के नहीं था। तो उसके पैसा के साथ कोई सुख की, आनंद की कोई व्याख्या नहीं आती है। हम खेत में भी सोच सकते हैं। अभी हम गए थे, मेरा 50 साल मैरिज का उत्सव हुआ था, तो उदयपुर गया था। वहाँ 5-10 लाख की कोई रूम थी, मैंने मेरे बेटे ने बताया नहीं कि कितने का है, मगर मेरे को मालूम पड़ा कि मुकेश भाई अंबानी इसमें रहा था, उनकी कोई सगाई बेटे, तो 11 लाख रुपया उनका भी भाड़ा था एक रूम का, उसमें भी रहा। मगर नींद आने के बाद 11 लाख की रूम है, 2.5 लाख की है, या खेत में हम सोए जमीन पर, नींद आने के बाद सब एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मेरे को आज भी, मैं खेत में जाके जमीन में सो सकता हूँ और सब एक ही शरीर का आनंद आता है। काका जी, हमारे देश में भाषा का महत्व कितना है सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? देखो, भाषा का महत्व तो है, मगर इससे ज़्यादा वर्तन का ज़्यादा महत्व है कि हम कैसे वर्तन करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो भाषा का ये महत्व है कि आई एम स्टडी ओनली 7 बट नॉट इंग्लिश, सो आई एम गोइंग टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सो आई कैन स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट ग्रामर और ऑल्सो रनिंग माई इंग्लिश, बिकॉज हु वॉन्ट इंग्लिश, ओनली 2 countries, because British has his mother language, England, that why they want English. India has largest speaking English in the world, India want grammar, that why they 2 countries not talking in English. Otherwise I go to Sweden, Switzerland, Japan, Germany, वहाँ मेरा English fast चलता, वो लोग को लगता है हम लोग English नहीं आता, उनको बराबर आता है। तो ये भाषा, मगर ये बात सही है, अगर मेरे को इंग्लिश आता, हाँ, तो अभी जो मेरा लिमिट रह गया गुजराती और हिंदी तक का, मेरी बात जो लोग तक पहुंचाने को, अगर इंग्लिश होता तो मैं व्यापक ज्यादा पहुंचा सकता, ये मेरे को रंज है। काका, ये बताइए, कोई स्टोरी बताइए जहाँ पे आपने बेल्जियम और इजरायली बिजनेसमैन के साथ आप कॉम्पिटिशन में थे, और आपको क्या लगा कि आपके पास क्या एडवांटेज था, या कैसे आप वो बिजनेस जीत पाए इंडिया के लिए? नहीं, ऐसा है के मेहनत बहुत मजबूत, कोई भी बिजनेस करो, कोई भी सर्विस करो, कुछ भी करो, करने का क्या है कि हमारा सब कॉम्पिटेटेड है, उससे हमको थोड़ा अच्छा करने का है, तो हमारा नंबर 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, तो जब प्रॉब्लम आएगा तो लास्ट वाले को आएगा, तो हमको आगे रहने का है, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं करने का है कोई भी बिजनेस में। तो यहाँ क्या है, वहाँ लोग क्या है, सेकंड जनरेशन था डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में, ये लोग को तो थोड़ा, जैसे अभी सूरत में हो गया, अभी लोग 8 घंटे ही काम करते हैं, हम 14 घंटा किया, तो वो टाइम पर सब लोग इतना करते थे, तो बेल्जियम में 8 घंटा करता था, वहाँ
तो वहां से यहाँ इसलिए है कि यहाँ स्किल बढ़ गया, तो दोनों के अगर मजदूरी देखे तो वहां अगर यहाँ $100 लगे तो वहां 200-300 लगता था, तो एक्सपोर्ट में कितना दे रहे। तो वो बिजनेस जैसे पानी कहाँ जाता है, ढलाव की ढलाव ऐसे यहाँ ढलाव आ गया तो सब सूरत में आ गया। ये आपने सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन वाली बात बढ़िया की काका जी। ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट जनरेशन वाले ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और सेकेंड जनरेशन वालों को वो एक चैलेंज फील होता है? नहीं, चैलेंज तो नहीं होता है, मगर क्या है कि ये लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, बात हो जाती है, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो हमारा जो सेमिनार रहता है, हम सब बच्चे को समझाते हैं कि इफ यू वांट प्रोग्रेस सो यू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में अगर आप रहा तो कोई प्रगति का चांस नहीं है, प्रोग्रेस का कोई चांस नहीं है। तो हमारा खुद का फैमिली में, हमारा ग्रुप में, हम बच्चे को ऐसे तैयार करते हैं कि जैसे वो कंफर्ट जोन में नहीं आ जावे और उनको भी मालूम हुए कि मेरे को मेहनत करने का है। इसलिए हमारा फैमिली में हम बच्चे को जब कॉलेज में होते हैं तो एक महीना अननोन प्लेस पर भेज देते हैं, कि किसी को चंडीगढ़ भेज दिया, किसी को जयपुर भेज दिया, किसी को इंदौर, भोपाल, बेंगलोर, त्रिचुनापल्ली, कहाँ कहाँ, तो उसको मालूम नहीं कहाँ जाने का। यहाँ स्टेशन पर जाके उनको खाली सेकंड क्लास की टिकट मिल जाती है, आपको कोचिंग जाने का है, क्या करने का वो उनको सोचने का, पैसा 5,000 साथ में देते हैं उसको बढ़ा के आने का, खाना पीना कमाने का, कुछ भी करो, वहाँ कोई अपना पहचान वाला नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, करके बाद में कुछ नहीं है, पहचान होती है तो ही वो कम्फर्ट जोन आता है। ऐसे तो उसके हिसाब से ये क्या हमको फायदा हुआ कि हम हमारे बच्चे को जनरेशन में बोलना नहीं पड़ता है कि हमने कितना मेहनत किया, आप भी मेहनत करो, नहीं कुछ नहीं बोलने का, आपको अच्छा लगे वो करो, मगर एक महीना देख के आओ तो आपको खुद मालूम हो जाए। तो हमारा बच्चा बोलता है कि हम 4 साल कॉलेज में पढ़े, 4 साल कॉलेज में हमको जो नॉलेज मिलता है इससे 2 गुना एक महीने में हमको नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो पहला तो कठिन था, अभी तो मोबाइल आ गया, पर हम मोबाइल क्या देते हैं, वो 1,000 रुपया वाला, वो नहीं तो ढूंढ ले कहाँ है भाई पिज्जा वाला, ऐसा नहीं देता। काका आपने सूरत, आप बता रहे थे कि जब आप सूरत आए थे और आज जहाँ सूरत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपने सूरत को बढ़ते हुए देखा है, एक डायमंड का साम्राज्य बनते हुए देखा है, उसके बारे में ज़रा सा बताइए कि ऐसी क्या बात है सूरत में और ऐसी क्या बात है यहाँ के सिस्टम में कि डायमंड का 90% पॉलिशिंग का काम अब सूरत से होता है? देखो ये सब लोग को मालूम नहीं है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो ऐसा होता है कि एक ग्रुप होता है, अगर वो कंस्ट्रक्शन में चला गया तो उनका भाई का लड़का, मासी का लड़का, वेवा, सब जी सब लोग कंस्ट्रक्शन में आएंगे। तो हम सब लोग हमारा ग्रुप में तब डायमंड में आए तो सब संबंधी डायमंड में आए, दूसरा भी आया और यहाँ जगह बहुत थी क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा था, तो सब लोग उसमें आया, जितना आया इतना अंदर आते गए, काम बढ़ता गया। तो इसलिए डायमंड में ज़्यादा करके सूरत में इसलिए हुआ कि सब सूरत में आए, सेंटर सूरत बन गया। तो जब लोग ज़्यादा होता है तब स्किल बढ़ती है। तो यहाँ जैसे क्या एक ज्वेलरी की एक शॉप है या साड़ी की एक शॉप है, वो इतनी नहीं चलेगी, मगर साड़ी की 20 शॉप लगा दो तो ये एरिया बहुत बढ़ेगा, साड़ी वाला वहाँ आएगा। ऐसे यहाँ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का सेंटर हो गया तो स्किल बढ़ गई। तो पहला ये बिजनेस बेल्जियम में था, इजराइल में था, ये सब बिजनेस सूरत में चले आए। तो आज पूरा विश्व में 100 डायमंड कटिंग होता है पीसेस, इसमें 92 मेकिंग ओनली इन इंडिया, और 92 में से 85 कटिंग एंड पॉलिशिंग ओनली इन सूरत। तो आप वर्ल्ड में कोई भी डायमंड देखो उसमें 85% तो सूरत का ही होता है। थोड़ा सा अब आपने बोला डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम यहाँ होता है, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या काम यहाँ पे होता है डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का जिसकी वजह से सूरत इतना फेमस है? डायमंड में नियर टू 100 ऐसा सब कटिंग आता है, शेप आता है, तो सब शेप सूरत में बनते हैं अलग अलग लोग। हम भी, हमारी कंपनी भी नियर टू 20 ये शेप बनाते हैं। मोस्टली आता है राउंड, पियर, हार्ट,
उनको ऐसा तो प्रिंसेस ऐसा सब कटिंग आता है, कटिंग सही सब सब के लिए डिजाइन के हिसाब से बैठता है। सबसे ज़्यादा राउंड ही बनते हैं, मोर देन 50% ओनली राउंड। तो ये जैसे आगे निकलना है तो क्या क्या करें, तो देखो हमारे वहाँ क्या है कि हमारे वहाँ जो वर्कर है, हम वर्कर नहीं बोलते, हम बोलते हैं उनको फैमिली मेम्बर। तो हमारा जो क्योंकि SRK का सब फैमिली मेम्बर है, तो ये फैमिली मेम्बर ने हमने इतना ट्रेन किया हुआ है कि वो लोग एक ही लोग 5-6 शेप बना सकते हैं। तो आज वो उनकी डिमांड नहीं है, ये डिमांड है तो वो काम करेगा, ये नहीं तो ये काम करेगा। तो उसमें क्या है, उनको क्या फ़ायदा मिला कि उनका जो काम की क्वालिटी उसको इतना बड़ा हो गया कारीगर, तो उनकी डिमांड दूसरे और सबसे ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि किसी को एक कट आता है, किसी को दो, उनको अगर 6 आ गया तो वो एकदम महान बन गए, उनको भी फायदा हो गया। और सब लोग ये नहीं कह करते, जिसको कुछ करने का है वो ही करते हैं। तो इतना ज्यादा उनमें से कोई कोई तो मिल जाता है, इनको हम बढ़ावा दे देते हैं। समझ गए। मैं एक बात बोल दूं कि जो हमने मैंने अभी किया कि हम कंपनी में वर्कर नहीं बोलते जी, फैमिली मेंबर बोलते हैं। अकेला बोलने से कुछ नहीं होता है, व्यवहार में भी होना चाहिए। एक एग्जांपल कि 2008 में वर्ल्ड रिसेशन आया, डायमंड में भी आया, एक महीने में $100 का $70 हो गया। स्टॉक तो सबके पास रहता है, आज अगर हमारा 100 करोड़ का स्टॉक था, 70 करोड़ का हो गया। हम बिजनेस कोई भी करते हैं तो 100% खुद का पैसा नहीं भी होता है, लोन भी होती है, बैंक होती है। तो मार्केट में किसी की पास बिजनेस के हिसाब से 100% खुद का पैसा था, किसी का 50% था, किसी का 25% था। तो सब लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, तो 30% प्राइस हो गई तो मोर देन 50% का तो खुद की जो मूड़ी थी वो जीरो हो गई। तो सब लोग बहुत घबरा गया, पूरा डायमंड मार्केट एकदम घबरा गया और अराजकता हो गई। मेरे तो सब ने फैक्ट्री बंद कर दी, बिजनेस बंद कर दिया, सब हम एप तोड़ दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारा भी आया तो हमारा फैमिली मेंबर पार्टनर सब भांजा भतीजा है, तो सब ने बोला कि अंकल हमको भी आपने जो 6,000 लोग है इसमें से हम 3,000 निकाल देंगे, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। तो मैंने बोला कि आज तक मैंने तो हायर का काम किया, फायर का नहीं किया, तो आप लोग विचारो क्या हो सकता है। तो ये सब लोग ने मैंने समझाया कि देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी तोड़ना नहीं चाहिए। हम मानते हैं कि हमारी पास जो मूड़ी है वो क्या है, बैलेंस शीट में लिखी, वो नहीं है। मैंने उनको समझाया ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हमारी मूड़ी है। अगर आज 25,000 करोड़ लेके रिलायंस आ जाए, 25,000 करोड़ लेके टाटा आ जाए, तो ये फैक्ट्री खड़ा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, मैंने उनको समझाया कि हम 50 साल से 40 साल से बात करते आए कि आप सब हमारा फैमिली मेम्बर है, तो हम उनको निकाल देंगे 2-3 हज़ार को, तो क्या वो फैमिली मेम्बर नहीं है? तो आज तक हमने गलत बात की तो कोई निकलेगा नहीं। तो मैंने ऐसा बोला कि ये कंपनी में से पूरा निकलेगा नहीं, नहीं हमने भतीजा भांजा ने समझाया, जब आग लगी हो तो जितना बचे इतना बचा लेना चाहिए, तो हम बचने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा भी बचने की ट्राई करके हमने ये करना चाहिए। मैंने बोला नहीं बचेंगे हम लोग, तो भगवान की इच्छा हमारी, तो हम भगवान के आधार पर भगवान के विश्वास से कंपनी चलाते हैं, तो मगर जब निकलेंगे तो हम और 6,000 साथ में निकलेंगे, मगर हम कंपनी में रह जाए वो लोग निकल जाए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सब लोग मान गया, आधा प्रोडक्शन किया। वे बात तो देखो, कोई दुख और सुख रहने के लिए कभी नहीं आते हैं, वो आते जाते रहते हैं। सुबह हुई तो वो सुबह जीवन भर नहीं रहेगा, शाम भी हो सकता है। तो हमने ये बात किया, 2007 में हमारी कंपनी का स्थान था 25 नंबर पर पूरा इंडिया में। 28 का रिसेशन आया, 29 में
पॉलिश का जो 100 का 70 हुआ था वहां ही रहा, मगर रो मटेरियल का 100 का 50 हो गया। तो रो मटेरियल सस्ता होने के नाते हम 50 में लेके 70 में बेच सकते थे, तो मार्केट में सब बेच सकते थे, पर सब लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ डाला था। पूरा विश्व में 3 कंपनी थी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तोड़ा था, इसमें एक हम था। तो हमारे क्या हुआ कि ये रब आज आई 20 दिन में पॉलिश होकर हम सेल कर देते थे, आज हमने लिया 50 रुपया का 70 में बेच दिया तो 40% प्रॉफिट हो गया 20 दिन में, और प्रोडक्शन हमारा डबल हो गया क्योंकि ये सब लोग ने काम आधा किया था। तो वो लोग सुबह में 6 बजे आता था तो रात को 10 बजे तक काम करते थे, काम करते, तो डबल प्रोडक्शन हो गया और इतना प्रॉफिट हुआ 2009 में कि कंपनी 25 नंबर से 4 नंबर पर आ गई। देखो हमने ऐसा करके नहीं रखा था, मगर ये सृष्टि में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जिसको कोई भगवान बोले, खुदा बोले, शक्ति जिसे बोले, जिसने जो करे, मगर कोई अदृश्य शक्ति है, सब योजना बना रही है। तो हमारा सोच अच्छा था, दूसरे को मदद करने का था, तो उसलिए भगवान ने हमको मदद किया। तो ये जो है कि वर्कर को हम वर्कर नहीं कहते आज भी, यहाँ कोई मेरे को बॉस नहीं बोलते, हमारी कंपनी अंकल बोलते हैं क्योंकि फैमिली कंपनी है, तो सब मेरे को अंकल। ये प्रीमाइसिस में आप आए तो यहाँ नफरत को एंट्री नहीं है, ओनली प्यार प्यार प्यार, यहाँ दो झगड़ा कोई नहीं कर सकते। ये प्रीमाइसिस में कोई अपशब्द नहीं बोल सकते, और अगर कोई ने झगड़ा किया तो दोनों को छुट्टी मिल जाता है। तो अगर उनको प्रॉब्लम है तो एनी पर्सन कम टू मी, वो खाली ऑपरेटर को लिखाएगा मेरे को अंकल को मिलने का है, मेरा टाइम पर मैं बुला के उसका सॉल्व करता हूँ, मगर कोई यहाँ डायरेक्ट झगड़ा नहीं कर सकता, ये भगवान की योजना है। तो व्यसन क्या, तो नो गुटका, नो सिगार, नो टोबैको, ये दारू की बात नहीं है। तो ये जो पूरा कंपनी निर्व्यसनी है, तो उनका ये आज ही नहीं बन गई, 40 साल के हम ट्राई करते थे, कभी पेपर में आया कि कैंसर में ये मर गया, उनका फोटो आया, ऐसा हम सब लगाते थे, नीचे लिखते थे कि अगर आपको व्यसन है तो आपको यही मौत आपको मिलेगा, आप सोचो, ऐसे करके सबको बनाया पहला 15-20 साल, और बाद में एक साल पहले सबको लिख दिया कि नेक्स्ट दिवाली तक में आपको व्यसन छोड़ने का है, नहीं तो कंपनी छोड़नी पड़ेगी, 1 साल का टाइम दिया, और ऐसे करके आज निर्व्यसनी कंपनी बना पाए। काका जी, ये 60 साल का करियर आपका, ठीक है, उसमें आपके लिए सबसे मेमोरेबल दिन कौन सा रहा है, कौन सा वक्त, कौन सा मोमेंट सबसे देखो मेरा ऐसे आप बोले ना तो भगवान की कृपा से एवरीडे मेमोरेबल रहा क्योंकि सब अचीव 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 का हजारों। तो एक एग्जांपल दूं कि मेरा लिवर ट्रांसफर हुआ 1.5 साल पहले, तो मेरा लीवर बगड़ा तो मैंने मेरा जो चाहक था, 7 लोग, मैं अभी नाम नहीं दूंगा, तो उसने मेरे हाथ से मैंने लेटर लिखा कि अभी मैं जा रहा हूँ छेल्लू कहना राम राम, और अगर लोग डॉक्टर बोलते हैं लीवर खराब हुआ है चेंज करना पड़ेगा, कोई लीवर मिले नहीं मिले, ऑपरेशन थिएटर में से बाहर निकले नहीं निकले, कोई हरकत नहीं, ऐसे नहीं कि मेरे को मरने की जल्दी है, मैंने ऐसा लिखा, मेरे को तो 100 साल जीने का है क्योंकि जीने जैसा है, जीने मगर जैसा। मेरी मृत्यु की तैयारी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 72 साल की उम्र है, मगर मैं 300 साल का जीवन जिया हूँ, भरपूर जीवन जिया हूँ, तो मेरे को जाने का अगर है तो मैं अब भी मेरी तैयारी है, कल नहीं, आज नहीं, अभी मैं, क्योंकि इस दुनिया की एक भी इच्छा बाकी नहीं है, एक भी इच्छा। काका जी, यंगर लोग को ऐसा भी हमने देखा है कि धर्म से थोड़ा दूर जाने लगे हैं, आपकी लाइफ में धर्म ने बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रोल प्ले किया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे इस जनरेशन को देखना चाहिए धर्म को, और कर्म के साथ कैसे जोड़ना चाहिए उसे। देखो धर्म के बिना जीवन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मगर धर्म क्या, धर्मांध होता है उसको हम धर्म समझते हैं, धर्म का मीनिंग होता है मानवता। हम किसी को भी बोला तो माना था भाई, जो मानवता है, मानस बनने का जो है, उसको धर्म बोलते हैं।
तो हम धर्म दुष्ट कोई बाहर की चीज नहीं है, हमारी अंदर हमारा वर्तन है वो धर्म है, हमारा बिहेवियर है ये धर्म है। तो धर्म कोई संप्रदाय की इसमें बात नहीं है, जिसको जी जिसको। मगर मैंने पहला अभी बोला था दुहा, यही बात है, धर्म बढ़े धन बढ़े, ये अगर धर्म आया मानवता आई तो ही हमको धन बढ़ेगा, नहीं तो आएगा जाएगा। धन बढ़े तो मन बढ़े, सबको भाई पैसा वापरने का है, सबको बांटने का है, मगर होवे तो बांटे नहीं। तो धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े तो मन बढ़े, और जब मन बढ़े हम किसी को देने लगे उदारता से दे तो मान बढ़े, फिर बढ़त बढ़त बढ़ जाए। धर्म घटे धन घटे, धन घटे मन घटे, घटत घटत घट जाए। काका जी, आज तो आपका इतना सारा मान है सम्मान है, ना सिर्फ सूरत में बट पूरे देश में पूरी दुनिया में, पर थोड़े से यंगर ईयर्स की बात करते हैं, जब इतना सारा मान सम्मान नहीं था और आप अपना देश घूमते थे, तो आपको ऐसा कभी सामना करना पड़ा है कि आपका अपमान हुआ हो या आपका लगा हो कि मुझे छोटा फील करा दिया गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देश तो घूमा नहीं था, मगर एक बात में जब वर्कर था तो 1968 में हम चार मित्र दिवाली के वेकेशन पे मुंबई पर घूमने के लिए गए, वेकेशन था तो पूरा बम्बई में घूमते रहे, बस में ही घूमते थे, सिटी बस में। तो पहली बार देखा कि ताजमहल होटल, हमको मालूम नहीं, हम तो इतना कि होटल में चाय मिलती है, अपने लिखा होता नहीं होटल होटल तो चाय मिलती है, इतना ही मालूम। तो जब हम गेटवे ऑफ इंडिया गया तो वहाँ ताजमहल के गेटवे ऑफ इंडिया क्या वो भी मालूम नहीं था, मगर देखा सामने ताजमहल था, तभी वो बड़ी 25 फ्लोर वाली नहीं थी, खाली 7 वाली थी, छोटी जो पैलेस थी, पैलेस थी, पैलेस था पूरा। तो हमने किसी को पूछा भाई ये क्या है, तो क्या होटल है, होटल क्या होता है, तो क्या उसमें सब लोग ठहरते हैं। तो हमने बोला ठहरते हो गए, हम जैसे ठहरे हैं तभी हम ठहरे थे, वो 25 रुपया वाली रूम हमारे एक पलंग था, तो हमने सोचा कि 25 रुपया वाली होगी, तो क्या ऐसा नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आले हजारों रुपया ऐसे तो अंदर जाने मिलता है। तो बोला ऐसे नहीं जा सकते, मगर एक काम करो आप टैक्सी भाड़े पे लो और टैक्सी अंदर जाएगी तो जाने देंगे। तभी टैक्सी का मिनिमम भाड़ा 80 पैसा था, तो हमने तो टैक्सी में बैठा, उनको बोला कि ताजमहल होटल के अंदर ले लो, तो ये हमारी को हंसने लगा कि ताजमहल तो है ये, मैंने बोला वो अंदर जाने का है तू समझ जाने, तो वो ले गया अंदर। तो तभी एंट्री ये दरिया की साइड, गेट ऑफ इंडिया की साइड नहीं थी, पीछे से साइड थी, नई बिल्डिंग बनी ना बाद में वहाँ एंट्री हुई, पहले पीछे की साइड से कार अंदर आई। तो वो सिक्योरिटी वाला ने खोला दरवाज़ा, सलाम किया, तो हम चारों नीचे, एक रुपया दे दिया, ऐसे पैसे के बदले एक रुपया टैक्सी वालों को दे दिया, अंदर गया, कहाँ जाना वो तो मालूम नहीं। इसे आगे चलता गया तो ये पीछे दरिया साइड का पीछे का रो दरवाजा आ गया, तो वहाँ एक सिक्योरिटी वाला था, वो बोला चलो चलो बहुत हो गया, बाहर निकाल दिया। तो बोला चला एक रुपया भी गया और ये होटल में अपने कुछ देखना नहीं मिला। तो हम जैसे जाते थे तो होटल तब रिपेयरिंग चल रही थी, तो वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर था वो हमारा सौराष्ट्र वाला, उनको मालूम हो गया, ए छोकरा क्या जाओ छो, हमें कीधु भाई आम गया था पर आऊँ छू, तो क्या मारी पाछड़ आओ। तो तभी क्या ये त्रासवाद वाला कुछ नहीं था, तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो उसने पीछे से जो उनका रिपेयरिंग चलता रहा वही दरवाजे से हमने अंदर ले गए और बताया कि ये सीढ़ी के सामने जो दरवाजा है ना वहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके खाली आप बोलना है कि टी दो टू टी ऐसे बोलने का। तो हम लोग तो उन्होंने बोला रेस्टोरेंट में गए और टेबल पर चारों गुटवा दिए, वो आया तो हमने बोला टू टी, तो वो टू टी तो लेके आए चार लोग, हम तो अहमदाबादी जैसे दो मंगवाया, मगर वो चाय लेके आया पूरा ट्रे, तो उसमें पानी और ये चाय की वो शुगर अलग और दूध अलग, तो कैसे बनावे कुछ मालूम नहीं। तो वो चाय की जो पट्टी आती है ना उसको तोड़ डाला न, चाय डाला पानी में, तो ऐसे ऐसे ही भूखी तो होती है, तो भूखी डाला ऐसे क्या मालूम कि ऐसे डिप करना होता तो है। मिक्स करना, तो बोला झाड़ी वो लोग ने झाड़ी नहीं दिया अभी, उसको कैसे गाड़ेंगे।
तो हमने बोला नहीं नहीं यहाँ फाइव स्टार में सब तो भूखी भी खा जाते होंगे, तो हमने उसमें दूध डाला सब किया और आधा आधा पिया, थोड़ा रका भी में डाला, बिगाड़ के आया फिर। अरे बोला एक चाय का 5 रुपया, तभी 5 रुपया बहुत बड़ा था, तो 10 रुपया का बिल आया वो तो दे दिया। चाय तो पीने को तो कोई था ही नहीं पीने जैसा, मगर वो सब लोग हंसते हो गए क्योंकि हमने वो पट्टी डाल के चाय में डाला था। फिर हमने उसने जो पेपर नेपकिन दिया था उसके ताज का सिक्का था, तो हमने चारों ने वो पेपर नेपकिन ले लिया, न कर यहाँ कोई मानेंगे नहीं फैक्ट्री में कि आप लोग ताज होटल में गए थे, तो वो ले लिया और आया। और यहाँ आके सबको बताए, बात ख़त्म हो गई। 2003 में जब मेरे को हमको यहाँ DBS का साइट का हम मेम्बर बने, तभी पूरा मार्केट ने हमको सम्मान दिया, तो हमारा सम्मान का प्रोग्राम यही ताज होटल में, जो रेस्टोरेंट था उनके सामने दरवाजे 800 लोग का हॉल है बड़ा, उसमें 800 लोग हम लोग इकट्ठे हुए थे, फॉरेन से भी मेहमान आए थे, बैंक वाला आए थे, पूरी मार्केट थी। तभी मैंने वो मेरा प्रवचन में बोला था कि देखो भगवान की कैसा खेल है कुदरत का, कि मैंने ये स्टोरी बताई कि यहाँ यही स्थिर पर हमने वो सिक्योरिटी वाले ने निकाल दिया था, तो जहाँ हमको एंट्री के लायक हम नहीं थे, नहीं थे ना, फिर भी वो उसने कोई गलत काम नहीं किया था, हमारी लायकात नहीं थी, तो जहाँ एंट्री नहीं था वहाँ आज अभिवादन हो रहा है, ये कुदरत का खेल है। तो ये ताज की स्टोरी होगी। वाओ काका, अभिवादन से मुझे ये याद आया कि आपने कुछ पिछले कुछ सालों से, अब आप IIM अहमदाबाद भी जाते हो, आप पहले मेंशन कर रहे थे कि आपके पास सर्टिफिकेट तो सिर्फ 6th स्टैंडर्ड का ही है। अभी IIM अहमदाबाद देश का ऐसे गढ़ माना जाता है जहाँ पे देश के स्मार्टेस्ट लोग आते हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका IIM अहमदाबाद जाके स्टूडेंट से बात करने का, देश के ब्राइटेस्ट फ्यूचर से बात करने का? बहुत अच्छी बात आपने की। और 2014 में जब पहली बार मैं IIM अहमदाबाद में लेक्चर देने को लिए गया, तो मेरे को तो मालूम नहीं था वहाँ कैसा वातावरण, हम तो ऐसे समझे थे कि सब लोग 20 साल का होगा, मगर वहाँ तो सब लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेके खुद का काम करे वापिस आते हैं, पढ़ने को वो मालूम नहीं था। तो हमने सोचा कि ये स्टूडेंट होगा कि ये लोग ने बाहर से मानस लाके बिठा दिया होगा, पहला तो ऐसा फीलिंग हुआ, ये भाड़े के लोग भी लेके। तो फिर मैंने पूछा कान में हमारे साथ, तो ये तो स्टूडेंट है, ये तो 20-20 लाख रुपया फिर भर के आए है सब, ये तो बड़ी कंपनी वाला का ये डायरेक्टर है, चेयरमैन है, ऐसे सब लोग है। तो उन्होंने तो अच्छा है, बात शुरू किया, तो उसने पूछा सबसे पहले, क्योंकि उन्हें मेरे को ऑनलाइन सब देख के हो गया, वो तो ब्रिलियंट लोग है तो मेरा सब कौन आने वाला सब देख लिया होगा, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी जो है वो मौखिक है, बाय हार्ट है? बाय हार्ट है। मैंने बोला हाँ, गुजराती में बाय हार्ट है। तो बोला कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको गीता जी बाय हार्ट है, तो आज तक जिसको गीता जी बाय हार्ट होती है वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको कभी गीता जी बाय हार्ट नहीं होती, तो दोनों आपको कैसे हो गया? फिर मैंने बोला कि उनका आंसर बहुत अच्छा है, मगर आप लोग को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग पूर्व जन्म को नहीं मानते, और मैं पूर्व जन्म को मानता हूँ। पूर्व जन्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीबर्थ। रीबर्थ। तो क्यों? कि मैंने कहा पढ़ा नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। फिर मैंने स्टोरी शुरू की कि देखो मेरा छोटा धुरिया गांव, 700 की आबादी गांव, 1 से 4 का स्कूल, मैं 5वीं 6ठी पढ़ता होगा, एक मंदिर 10x10 रूम का स्वामीनारायण का था, वहाँ हर साल एक बार साधु लोग आते थे, तो वो गीता जी लाया होगा। क्या लाया मालूम नहीं, हम तो बच्चे होके मंदिर में खेलने को गए थे, कबाट खोला तो अंदर से मेरे हाथ में गीता जी आया, और तभी मेरे को मालूम नहीं था, मगर आज मालूम पड़ता है कि वो समाधि अवस्था थी। तो मेरे को वो समाधि लग गई कि हमें हल्का फुल्का जाने हो गया, और ऐसा कुछ खोया हुआ मेरे को पा गया, ऐसा कुछ भाव हो गया। तो मैं गीता जी लेके पढ़ने लगा, पढ़ने तो वहाँ गांव में
पांचवी छठी वाले को कुछ मालूम नहीं होता, पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ याद नहीं रहता। मेरे को भी कुछ मालूम नहीं पड़ा कि उसमें क्या लिखा है, मगर पढ़ने को बहुत आनंद आया। मैं पढ़ता ही गया, पढ़ता ही गया, पूरी गीता जी पढ़ ली, दूसरे दिन पढ़ा, ऐसे पढ़ता गया। फिर मैंने लगा मेरे को मौखिक करने का है, तो मैं मौखिक करने लगा और मेरी 16 साल की उम्र में पूरी गीता जी मौखिक हो गई। तो किसने किया? कोई गुरु नहीं मिला, किसने आके गीता जी नहीं दिया, खुद मिली। और आकर्षित कैसे हो गया अगर पूर्व जन्म नहीं होता तो? तो ये मैं मानता हूँ। मेरे को समाधि अवस्था 2 बार लगी जीवन में, और 1 बार स्वप्न आया, जो समाधि बोलो या कोई कई सत्य घटना बोलो ऐसे। तो एक तो ये गीता जी का हो गया समाधि। गीता जी मैं बोलता हूँ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये मैनेजमेंट का गुरु है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी का भी जीवन में 10 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, वो लिख के बैठ जावे और पूरी गीता जी पढ़ ले तो उनका तमाम प्रश्न का आंसर उससे मिल जाएगा। वहाँ कोई बाहर नहीं है कि आप इस सृष्टि का ऐसा नियम है, संसार का, सृष्टि का, ग्लोबल का, उसका जो भी बोले, कि आप जो भी दो वो आपको वापिस मिलता है। अगर आप किसी को पैसा दो आपको वापिस मिलता है, आप किसी को मान दो आपको मान सम्मान मिलता है, किसी को आप नफरत दो आपको नफरत मिलता है, किसी को आप लात दो आपको लात मिलता है। तो किसी को आप कैसे, उसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे आप हिमालय में चले जाए, लाखों पहाड़ियां है वहां, वहां जाके कोई बड़ा आवाज से बोले भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर वहां जाके कोई बोले तेरा सत्यानाश होगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा तेरा सत्यानाश होगा, तेरा ऐसे। ये जगत में भी, एक ग्लोबल में भी ऐसा ही है, आप जो दो आपको मिलता है। तो अब आपको मान चाहिए, आपका हृदय से पूछो तो मुफ्त में मिलेगा, कुछ नहीं करने का है, आप सबको मान दो आपको मिलेगा। 72 साल में 300 साल के एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करना। दोस्तों अगर हम भी इसी बारे में सोचें और अपनी लाइफ इस तरह से बिल्ड करें कि हमें लगे कि जैसे गोविंद जी आज 72 साल की उम्र पे फील कर रहे हैं, वैसा अगर हम फील करें कि हमने 300 साल जितने एक्सपीरियंसेस जमा कर लिए, तो लाइफ ब्यूटीफुल होगी, लाइफ सफल होगी। और उसी में कुकू एफएम चाहेगा कि एक छोटा सा पार्ट आपकी लाइफ में प्ले करे। आपकी क्यूरियोसिटीज़ के लिए हमारे पास बहुत सारा कॉन्टेंट है, वो आप ज़रूर देखें। गोविंद जी थैंक यू सो मच, आपने हमको टाइम दिया, कितनी सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपने बताई है। कभी कभी ऐसा लगता है आज के मॉडर्न जनरेशन को कि बड़ों से अब क्या ही सीखना बाकी रह गया है, आज की दुनिया ही अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। बट आपसे बात करके फिर से और एक रिमाइंडर है कि हमारे पास और बहुत सारा ज्ञान है, हमारे घर के बड़ों के पास, हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास, अचीवर्स के पास, जो हमें ग्रहण करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये कुकू एफएम और आप और आपकी पूरी टीम को शुभ धन्यवाद। थैंक यू। और जो श्रोताजन है सबको प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।